दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे अगले व्लॉग में। और फिर आज हम कुछ नया चीज आपको दिखाएंगे, देखेंगे आज हमारी क्या काम होती है, क्या कार्यकलाप चलती है। हर रोज ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ, समय कम मिलता है और समय कम मिलने के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं यार्ड में। और यार्ड में आज जो काम हो रही है, सेम अभी तो मेन पर्पस है TWS का, क्योंकि गति शक्ति की जो स्पीड वर्क चल रही है कि हर एक सेक्शन में आपकी ट्रेन की स्पीड पहले 110 थी, फिर 120 हुई, अभी ऑलमोस्ट सब जगह 160 करने की कवायद चल रही है, खास करके जो मेन लाइन है मूवमेंट में 110 की कवायद चल रही है। तो 110 के जगह पे 160 जो होगी उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, TWS पॉइंट लग रहे हैं, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी अधिक उसी में है। तो आज भी एक TWS पॉइंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, प्री वर्क रेडी है, ब्लॉक अभी होगी और हम लोग इस ब्लॉक में पॉइंट को सक्सेसफुली ब्लॉक पीरियड में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम दिखाएंगे आपको फिर अपनी ब्लॉग में एक स्टेशन की दिनचर्या। बड़ा ही मनोरम दृश्य रहता है जिधर मैं रहता हूँ या नौकरी करता हूँ, पूरा प्राकृतिक नेचर है और भीड़ भाड़ से एकदम दूर, कोई भीड़ भाड़ की जगह नहीं मिलेगी, जंगल नुमा एरिया। और शायद सही कहा जाए कि प्रकृति का सही सामंजस्य के बीच में अभी रह रहा हूँ मैं, तो मज़ा भी आता है। थोड़ी बारिश और थोड़ा धूप का मौसम है, अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी, ये मौसम बहुत ही सुहाना है। आइए देखते हैं। पहुंच गए हम स्टेशन पे और आज धूप कम है, काम करने में मज़ा रहेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है ना, जब आप जब धूप चलती रहती है तो आपकी जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाती है, सब ह्यूमन पावर है। और मौसम अगर प्रतिकूल रहे तो समस्याएं आती हैं, लेकिन आज संयोग बस फिजिकल वर्क भी अधिक होती है TWS के इंसर्शन में, और आज संयोग बस सुबह सुबह बारिश हुई तो मौसम बड़ा साफ है। मैं हाथ में ये लेके चल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि परसों अनंत पूजा थी और हमने घर में पूजा किया, तो पूजा से जुड़ी सामग्री को नदी में बहाना था, आते समय गाड़ी में ले लिया लेकिन नदी के किनारे भूल गया मैं। अब चलूँ जिधर काम चल रही है वहाँ पे, तो उस एरिया में काम जहाँ पे चल रही हैं, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, दूर वाले एरिया में काम चल रही है, वहीं बगल में नदी भी है, तो मैं अभी नदी में भी जाऊँगा और जाके सारे चीज़ को वहीं पर विसर्जन कर दूँगा। तो सारे काम को हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा स्टेशन का नज़ारा है जिस स्टेशन पे अभी काम चलेगी, और ये इसके अपोजिट तरफ के नज़ारा है जहाँ पे काम हो रही हैं। रेलवे अपनी गति शक्ति को लेके बहुत आगे बढ़ रही है, यानी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितने भी पूंजीगत हैं खर्च करने में कोई कमी नहीं हो रही है, एक फंड ही जारी की दी गई है गति शक्ति के नाम पर। और कमोबेश अगले 10 वर्षों में भारतीय रेल की एवरेज गति 160 किलोमीटर प्रति आवर होगी। कुछ ट्रेनें जैसे कि हमारी ट्रेन 18 जिसको वंदे भारत के नाम से भारत में बनाई जा रही है, तो ये सब ट्रेन भी अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चलेगी। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। रेलवे में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपना अपना तरीका होता है और अपनी अपनी वर्क कल्चर भी हैं। ये हम पूरे यार्ड में अभी चल रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सारे यार्ड में ये सिग्नलिंग एसेट्स, सिग्नल्स और वर्क। तो मैं क्या बता रहा था गति शक्ति के बारे में, तो भारतीय रेलवे वर्ल्ड रेलवे के साथ में अपनी एक जो कंपटीशन है उसको पूरा करने के लिए स्पीड रेंज पे बहुत काम कर रही है, और वो स्पीड रेंज कमोबेश काम में आएगी भी, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन करना है किसी और के साथ तो आपकी गति तेज होनी चाहिए, गति कंपटेटिव होनी चाहिए। चलिए और बातें करेंगे, अभी मैं जगह पे पहुंच गया हूँ तो थोड़ी सी आपको काम भी दिखाएंगे, बातें भी करेंगे, काम का संपर्क भी करेंगे। तो
देखिए रेलवे की जो अपनी एक तरीके हैं, रेलवे का एक नॉर्म्स है, और रेलवे की जो पटरियां हैं या स्टेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जनमानस के बीच से होकर गुजरी है। भारत का बहुत ऐसा एरिया अभी भी अछूता है, और रेलवे के साथ में रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन प्लस वाटरवेज का अभी तक कोलेब्रेशन नहीं हो पाया इस ढंग से कि सब एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप सके। इसी को लेके गति शक्ति मिशन है प्रधानमंत्री का, जिसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि टेक्नोलॉजी की आदान प्रदान का अभाव है, शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है। रेलवे प्रैक्टिकल पे अधिक चल रही हैं, और जो गुणवत्ता और ज्ञान की बातें हैं वो भी बहुत कम लोगों तक सीमित है। तो प्रधानमंत्री के गति शक्ति मिशन में डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रावधान है, जिसमें कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, से रेलवे से रिलेटेड या रोड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों की एक कौशल विकास किया जाएगा। कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप काम करते हैं तो। स्किल्ड आदमियों की बहुत ज़रूरत है, और स्किल्ड आदमी बढ़ेंगे तभी काम भी कर पाएंगे। अभी ट्रेन आ रही हैं, वो सिग्नल ग्रीन है आगे, वो एडवांस स्टार्टर है डाउनलाइन की, और ये हम आ गए नदी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, मैं दिखाऊँ जूम करके, आगे एक बोर्ड लगी है, वो बोर्ड है नदी के जिसमें नाम लिखा है परगा। तो इस परगा नदी में हम आ गए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सामग्री पूजन का लेके हम निकले थे इसको नदी में विसर्जन कर देंगे। ये छोटी सी ब्रिज है जिसको ब्रिज नंबर 403 बोलते हैं सेक्शन में, इस टाइप के इसको ग्रेटर ब्रिज बोला जाता है। नदी में थोड़ा बहुत पानी है, ये छोटी नदियां हैं जिसको परगा कदमदा ब्रिज बोला जाता है, और ये कदमदा नदी हैं, छोटी सी दामोदर नदी का छोटा भाई है एक तरह से। और इसी पे अभी मैं इस पूजन सामग्री को विसर्जन कर दूंगा। ये जो पूजन सामग्री हैं, ये पूजन सामग्री, ये जय भगवान, हाँ पानी में चला गया और हमारी विसर्जन भी हो गई। तो नदी पे खड़े होके हम आपको बता दें कि ये जो ब्रिज होती है, ग्रेडर ब्रिज होती है, इसमें सबसे दिक्कत तब होती है ना जब ये ट्रैक सर्किट बनाते हैं, क्योंकि दोनों साइड लोहे की पटरियां लगी रहती हैं। इन लोहे के पटरियों में आपको इंसुलेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आप ऐसे ब्रिज को ट्रैक सर्किट बनाएंगे, पॉजिटिव रेल और निगेटिव रेल बनाएंगे, तो इस पीरियड में ये लोहे के ब्रिज को इंसुलेटेड करने के लिए ये जो क्लीट देख रहे हैं, ये क्लीट इंसुलेटेड होता है। पहले था, पहले ये ट्रैक सर्किट इंसुलेटेड करना पड़ता था क्योंकि इसमें हमने ट्रैक सर्किट बना के रखी थी। अभी ट्रैक सर्किट इससे हटा दिए और ये मेंटेनेंस घट गई। आप जब किसी ब्रिज को ट्रैक सर्किटेड करेंगे तो ये ट्रैक सर्किट इंसुलेशन मेंटेन करना थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बोल्ट इस बोल्ट के साथ चिपक गया, यानी इस बोल्ट के साथ ये रेल शॉर्ट हो गई और ये रेल नीचे आ गया। अगर ये रेल अब हमारा पॉजिटिव होता तो ये ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो जाता और इसको ढूंढने में समय लगता। तो यहाँ पे ये क्लिप इंसुलेशन का काम करता है। अभी उस ट्रैक सर्किट की जगह एक्सल काउंटर लगा दी गई है। ये ब्रिज एक्सल काउंटर है, ब्रिज एक्सल काउंटर में भी दो हैं जिसमें से ए और बी, अगर एक ड्रॉप भी होगा तो एक चलेगा। सेलमेक है, वहाँ पे काम चल रही है। इस काम चलने के कारण में गाड़ियाँ दूसरे लाइन से गुजारी जा रही है, जिसमें कि उधर से होम सिग्नल पे रिसेप्शन कॉलिंग ऑन पे हुई, और आउट जो है स्टार्टर पायलट आउट होते हुए एडवांस तो मिल जाएगी, क्योंकि वो जो पॉइंट जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो पॉइंट आइसोलेशन में आता है, नॉट इन रूट बट आइसोलेशन में। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपकी डबल इंजन, मल्टी प्लस एक डीजल इंजन को लेके जा रही है ये गुड्स ट्रेन हमारी, और बहुत लंबी गाड़ी हो जाएगी। 59 प्लस तीन हो गई ना, एक मल्टी यानी कि दो डबल इंजन प्लस एक WAG की डीजल इंजन है, तो इतनी सारी
सारी इंजन को लेके गाड़ियां जब जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, इसको भी रन करने के लिए 726 की जगह 722-23 मीटर की सीट है। दो इंजन लगे हुए हैं और ये डीजल इंजन है, बाकी ये इसको बोला जाता है, ये जो बॉगी है बॉक्सन एचएल, इस टाइप की जितनी बॉगियां हैं इसको बोला जाता है बॉक्सन एचएल। ये ऊपर से ओपन रहता है, जिसमें आपका कोई भी वैसे मटेरियल जो पानी धूप से ख़राब नहीं हो वैसे मटेरियल लेके जाया जाता है। बाकी एज इट इज़ नॉर्मल है। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट का वर्क देखेंगे। आपको मैंने ब्रिज दिखाया, टैक्स सर्किट भी थोड़ी सी बताया और वो फ्लीट बता दिया। चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिज के वर्क को एनालिसिस कर। पॉइंट ऑलमोस्ट सेट हो गया है, TWS वर्क आज का भी समय पे इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। भारी बारिश में सबको ही, पूरी बारिश में आज बारिश का भी आनंद लिए, पॉइंट का भी काम किया और मौसम बड़ा सुहाना था। हो गया सुमित, एक बार बोलिए चलाएगा, बोलिए चलाएगा, बोलिए पॉइंट चलाएगा। आप इधर आ जाइए, पॉइंट चला रहा है युधिष्ठिर दा, ध्यान रखिएगा। गति शक्ति मिशन में जो हमारी ट्रेन की स्पीड है बढ़नी है, उसके हिसाब से पॉइंट का हिसाब किताब में, और ये भी पॉइंट हमारा ऑपरेट होगा पैनल से, पॉइंट प्रॉपर सेट हो गया है नॉर्मल और रिवर्स ऑपरेशन की तरफ। नहीं ठीक है, अभी तो एकदम सीधा है, बिल्कुल सीधा है आपकी। नहीं दूसरा साइड चलाइए, दूसरा साइड नॉर्मल रिवर्स ही है, अपोजिट होगा, दूसरा सर। अरे ठीक है नॉर्मल में चलेगा, पॉइंट रिवर्स था ना, देखो कहाँ पकड़ा, कहीं देखिए थ्रो में पकड़ा है, थ्रो में एडजस्ट करिए, अंदर जाएगा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, लॉक पकड़ा तो लॉक एडजस्ट करके घुसाइए फिर नॉर्मल करिए। वाह आप सक्सेस है साहब, अब देखिए एक बार में आपका हो रहा है विद इन टाइम, और क्या चाहिए, काम हो रहा है पंकज, जरूरत है क्या, अच्छा दे दो, दूसरा साइड चलवाइए, अपोजिट साइड चलवाइए, आपका SSG नहीं वहाँ बैठा है, SSG बैठाएगा तो ये हाउसिंग आ जाएगी, अभी हमारा साइड हो गया, इधर हो गया, बोलिए फिट दे देगा, 14-5 था ना, 14-5 बोलिएगा, 14-5 में राइट लगेगा, नहीं काटना पड़ेगा, उसको सीधा होगा, स्टडी नहीं ढकना लग रहा है, कटवाना पड़ेगा, कहाँ कटना पड़ेगा, उन लोग का कटर है, देखो कटेगा तो कटवा दो, अब का ही लाओगे, 160 होगा, 160 होगा मत लाओ, ये थोड़ा अधिक है, ये 160 है मत लाओ, ठीक है लो, ओपनिंग लाने का जरूरत नहीं है, अगर ढकना कटवाना है तो लोग का कटर से कटेगा तो काट लो, ये बोला नहीं तो फिर छेनी है थोड़ी से काटो, फिर तो रख के हाँ यहाँ से पूरा आधा से काट देना है, आधा से ऐसे उड़ा दीजिए, छेनी है थोड़ी से, कहाँ कैसे कहाँ पकड़ रहा है, लगाओ मुझे दिखाओ, दिखाओ कहाँ दिक्कत है, हाँ हाँ वो जा रहा है, तो सुनिए ना, सुनो आप इसको ऐसे कोनिया मार दीजिए, कुछ नहीं सीधा ठीक है, ऐसे कोनिया मार दीजिए एक साइड बस, या तो उसे कटर से कटे कटेगा, छेनिया थोड़ी से मार दीजिए, हाँ अरे अच्छा नज़दीक तक जा रहा है, हाँ कहाँ तक आएगा, हाँ ठीक है उठाइए हम समझ गया, उठाओ समझ गया, नहीं आप ऐसे ऊपर से लो, ऐसे कोनिया मार दो पूरा, ठीक है ऐसे पूरा, या दागी से ऐसे करके कोनिया मार दो, उसका है कटर से कटेगा, देखिए नहीं तो फिर छेनिया थोड़ी लगा लीजिए, छेनिया थोड़ी रेल में रख के काट दीजिए,
फिट दिलवाए कै बजे कितना बजे? आराम से तो पॉइंट हमारा TWS वर्क कंप्लीट हुआ और विद इन टाइम राइट टाइम में हम लोगों ने पॉइंट अपनी कंप्लीट कर ली सबके साथ में। और आज का काम यही तक था, फिर चलते हैं, कुछ और भी काम है, वो सब काम भी देखेंगे, देखने के बाद फिर हम लोग देख चलेंगे घर की तरफ। चलिए हमारा काम हो गया ख़त्म और आज के काम कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे घर। गप्पू जी कर रहे होंगे इंतज़ार। और सक्सेसफुल काम ऐसे ही ब्लॉक पीरियड में सही से हो जाने से थोड़ा सा अंदर से खुशी मिलती है, नहीं तो फिर ब्लॉक में फंस गए, थोड़ी सी पेचीदगी हो गई तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो आप सब लगे रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए सिग्नलिंग सीखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं घर और करते हैं गप्पू जी के साथ मुलाकात। ये स्टेशन बाय बाय, अब हम मिलेंगे अगले दिन फिर अगले काम में अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।